नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्य फल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, आपके साथ आपकी जन्म कुंडली को लेकर आप में कुछ संशय बना होगा। कभी जन्म कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य, भूत और वर्तमान को जाना जा सकता है। इसलिए अपने बारे में जानने के लिए लोग अपनी कुंडली को लेकर किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कुंडली को देखने का आसान तरीका बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप स्वयं की कुंडली को देखकर अपने आने वाले कल को जान सकते हैं। और इसी विषय पर हमें विस्तार से आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 01207153787, 01207153826। लगातार ये नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है जन्म कुंडली को लेकर। जन्म कुंडली को लेकर कई सारी चीजें सामने आती है आचार्य जी। अगर मैं बात करूं कि हर कोई ये जानना चाहता है कि उसके आने वाला भविष्य कैसा होगा, बजाय इसके कि इंसान अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन ठीक है, ये सब चीजें इंसान देखता है कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, उसके लिए वो अलग अलग ज्योतिषों के पास भी जाता है, परेशान रहता है। तो आज हम बता रहे हैं कि आप खुद अपनी कुंडली कैसे देख सकते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है आचार्य जी? देखिए, आप बड़ा आसान तरीका है, और जन्म कुंडली क्या है पहले तो ये समझना पड़ता है जी। और सही बात यह है कि अपनी जन्म कुंडली को आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत डीपली भी नहीं, पर मोटा मोटा देख सकते हैं। और इसी प्रयास में हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को इसका नॉलेज रहे। जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली आपके जन्म समय आकाश मंडल में जो ग्रह, नक्षत्र, राशियों की स्थिति है, उन्हें जन्म कुंडली दर्शाता है। कुंडली में 12 खाने होते हैं, इन घर में 12 राशि होते हैं, यानी 12 ग्रह बैठे होते हैं, और इनके माध्यम से व्यक्ति के भाग्य की गणना की जाती है। कुंडली में जो नंबर होते हैं वो राशियों को दर्शाते हैं। कुंडली में भाव किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि उसमें खाने बने होते हैं, इन खानों को भाव या घर कहते हैं। कुंडली की संख्या, घरों की संख्या 12 होती है, और 12 खाने 12 भाव के व्यक्ति जीवन को व्याख्या करते हैं। या मोटे तौर पर जानिए कि पहला भाव व्यक्ति के चरित्र को, स्वभाव को, रंग रूप के बारे में बताता है, इसे लग्न कहते हैं। दूसरा भाव की बात करें तो वाणी और आपके बहन भाई और साहस को दिखाता है। और आप ये मान के चलिए तीसरा भाव जो होता है भाई बहन, पराक्रम। चौथा भाव सुख भाव कहलाता है, और माता का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है। पांचवा भाव शिक्षा, संतान, प्रेम, रोमांस, विवेचना करते हैं। छठे भाव से शत्रु, रोग, कपटी, शन आदि को देखते हैं। सप्तम भाव से विवाह देखा जाता है, और जीवन साथी और जीवन में होने वाली किसी तरह की पार्टनरशिप को देखा जाता है। आठवां आयु को देखा जाता है। नौवां धर्म गुरु और भाग्य को देखा जाता है, और लंबी दूरी की यात्रा देखी जाती है। दसवां घर कर्म भाव कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति प्रोफेशनल और उसके पिता को देखता है। ग्यारहवां भाव लाभ का होता है, इसमें आमदनी और जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को दिखाता है, बड़े भाई बहन, मित्र आदि के भी बारे में बताता है। और बारहवां घर जो है ये हानि का, खर्च का या विदेश जाने की स्थिति को दर्शाता है। कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूंगा, जन्म कुंडली में जो राशियां हैं जिस भाव में बैठती हैं उसी के अनुसार को परिणाम देती है। भाव में राशियां बैठी हैं, एक भाव में एक राशि, दूसरे भाव में दूसरी राशि, जैसे मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और प्रत्येक राशि का अपना स्वभाव होता है, अपना चरित्र होता है। जन्म पत्री में जो ग्रह होते हैं ये किसी भी भाव में बैठ जाते हैं, पर एक से दो बैठ जाए तो उसको युति कहते हैं, ग्रह योग के युति कहते हैं। और आप मान के चलिए कि इनमें संबंध होता है, जैसे शत्रुता, मित्रता, संभाव। ज्योतिष में ग्रहों की संख्या 9 होती है, जैसे चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु,
अब ये ग्रह अपना अपना स्वभाव, इनमें चंद्रमा बृहस्पति शुक्र सौम्य होते हैं, सूर्य मंगल शनि राहु केतु क्रोध ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब चंद्रश्री जी बात आती है कि राशियों के भी संबंध होते हैं। कुल मिलाकर के ये जो हम बात कर रहे हैं ये बड़ी आसान सी बात है कि इनके स्वामी भी होते हैं, ग्रह एक साथ बैठ जाए उनकी मित्रता है, नीच का है कुछ का है, ये सब बात, फिर डिग्री कितनी है ये सब देखा जाता है। ग्रहों की दृष्टि भी देखी जाती है कि दृष्टि जैसे अशुभ है शुभ है, सभी ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उसमें सातवें घर को देखता है, जैसे हर जैसे मान लीजिए पांच घर में बैठा है तो पांचवें सातवां को देखेगा, तो ये एक इनकी स्थिति होती है सातवें घर। लेकिन इसमें भी कई बातें हैं कि जैसे मंगल चौथे आठवें घर को देखता है, बृहस्पति अपने स्थान से पंचम नवम भाव को भी देखता है, सातवां देखता ही है, जबकि शनि अपने स्थान से तीसरे दसवें घर और सातवें घर को देखता है, राहु केतु हमें सप्तम भाव में देखते हैं और पंचम नवम भाव को भी देखते हैं। तो ये देखने की दृष्टि इस प्रकार से अपने ग्रहों की आप देख सकते हैं। बड़ा आसान तरीका आपको बताया है जिससे आप स्वयं भी देख सकते हैं और स्वयं ऊर्जावान तरीके से अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण कर सकते हैं। हमारा ये भाव आपके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह हम पारदर्शिता से आपके सामने रखना चाहते हैं कि जन्मपत्री क्या है और कैसे देखी जाती है, ये हमारी सोच थी। चंद्रश्री जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, तो आज हमारा चर्चा का विषय बेहद खास है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उसके आने वाला दिन उसका कैसा होगा और क्या कुछ उसमें चीजें हो सकती है, क्या उसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन हमारे कॉलर्स कुछ है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पर उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बहन जी। पंडित जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नाम है नरेंद्र सिंह, डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 2002, समय है रात के 11:35, पंजाब का जन्म है। पंडित जी, मैंने पूछना था कि इसने पैरामिलिट्री फोर्स के लिए एग्जाम दिया था, उसमें क्वालिफाई हो गया, तो क्या इसका भी मेडिकल लिस्ट में नाम आ जाएगा और फाइनल में आ जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी ये वाली। और दूसरा पंडित जी, ये अपने घर के वास्तु दोष के लिए वास्तु का झंडा बताया था तो मुझे कहीं बाल तो मिला ही नहीं, तो उसमें रंग कौन कौन से है मुझे ये जानना था कि मैं उसको खुद ही बना लूंगा घर पे। उसको पंच रंग का झंडा बोलते हैं, काला और पीला और सफेद और लाल, पंच रंग का झंडा बोलते हैं, वो मिल जाएगा पंच रंग का झंडा के नाम से। रहा सवाल आपके भाई का नरेंद्र का, देखिए बेटी इनका निश्चित रूप से मेडिकल में इनका नंबर आएगा और ये सफलता प्राप्त करेंगे। इनसे कहें कि ये माता रानी की पूजा करें और हर शुक्रवार को माता रानी को श्रृंगार और चुनरी धारण कराएं और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लेते रहें। ये करने से इनको अवश्य लाभ होगा, गुरु की भी सेवा करते हैं तो लाभ होता है। बड़ी मंगल शुभकामना। जी, तो हमारे साथ इसी के साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं आचार्य जी। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, हाँ बोलिए, आप हम सुन पा रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। हेलो, हाँ गुरु जी, मैंने आपके बारे में पूछना है कि मेरा शरीर ठीक नहीं रहता गुरु जी, और माता की सेवा करती हूँ और उसमें पैसे पूजा करो जो मुझे महा जल्दी से पढ़ना जाए, और गुरु जी मेरा शरीर ठीक नहीं रहता। देखिए बहन जी, आप अपने घर में गंगा जल गौमूत्र का मिश्रण करके पीले फूल से घर में छिड़किए और अपने पूजा पाठ को संरक्षित कीजिए, ज्यादा पूजा पाठ कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। कोई मंगल शुभकामना है, कोई घबराने की बात नहीं। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आचार्य जी ने बताया वो आपके बेहद काम आएगा। इसी के साथ हमारे और कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अगला कॉलर जो भी है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ, सत्यनारायण जी। हेलो, सत्यनारायण जी, आपका नाम पता चल गया, डेट ऑफ बर्थ बताइए। आप पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। 28 सितंबर 1999 जी, समय
9:13 सुबह के इसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ और वो हमारे पास नहीं रहता, मेरा रोज जन्म है। सुबह का समय है? रात का ठीक है। अब देखिए यहाँ चंद्रश्री जी ऐसी गलती होती है कि समय रात का है, बोल रहे हैं 9:13। अब ये पूरा क्यों नहीं बोलते? आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप कृपा करके जब भी अपना समय बताएं तो रात और दिन जरूर डिफरेंट कर दिया करें, क्योंकि 12 घंटे का अंतर होता है। देखिए सत्यनारायण जी, आपका यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि आप चार भाई बहन हो और आपका मकान पूर्व में दिखता, आपका बेटा आपके पास नहीं रहता होगा और इसको विषयोग बना हुआ है, गज केसरी योग भी बना हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा, बहुत ही गुस्सैल और एडामेंट वाला व्यक्ति रहेगा। इनकी शादी 2024 में है, नवंबर के बाद संयोग बने, यानी 25 में जाके शादी का योग बनेगा। आप कृपा करके इनसे प्रतिदिन केसर युक्त जल भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए कहें, केसर युक्त जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। बड़ी मंगल शुभकामना जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने जो आपके बताया है वो उपाय आप करेंगे तो आपका जीवन भी सुखमय होगा और आपके बच्चे के लिए भी वो अच्छा होगा। लेकिन अगली बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है प्लीज साफ तरीके से अपना नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं, समय और अपना डेट ऑफ बर्थ पूरी अच्छी तरीके से बताइए ताकि आचार्य जी को आपके सवाल का जवाब देने में कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ हमारा अगला कॉलर जुड़ रहा है। आचार्य जी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं प्लीज अपना नाम और अपना सवाल और अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम। सर मैं मेरी पत्नी के बारे में पूछना है, नाम है भागवती देवी जी। और उसका जन्म है 14/6/1974 जी। समय और शहर बताइए। और उसका जन्म है सुबह 4 बजे और एमपी पीतमपुर में मकान लिया है उसके नाम से, तो उसमें कब जाएं? वो तो ठीक है लेकिन समय क्या है, वो शहर क्या है, कौन शहर में जन्म हुआ इनका? शहर पीतमपुर। चलिए तो देखिए आपका मध्य प्रदेश पीतमपुर में जन्म हुआ है, हम ऐसा ही मानते हैं क्योंकि वो जो मिला है। इसमें आप ग्रह प्रवेश की बात कर रहे हैं, देखिए ये जन्म पत्र जो है आपकी बड़ा स्पष्ट करती है कि आपको ग्रह प्रवेश के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो आपके लिए हालांकि ग्रह प्रवेश भगवती देवी के नाम से आप ग्रह प्रवेश की बात कर रहे हैं उस 7 मार्च को आप ग्रह प्रवेश कीजिएगा और ये फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी गुरुवार के दिन और सूर्योदय से 8:16 के मध्य आप ग्रह प्रवेश कीजिए। आपको बड़ी मंगल शुभकामना है, आपके लिए बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, बड़ी मंगल शुभकामना है जी। तो आप बता दिया है आचार्य जी ने कि आपको कब गृह प्रवेश करना है। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उसके बाद हम राशियों का रुख करेंगे। आचार्य जी हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम जी। हेलो पंडित, मैं बीकानेर से मीनाक्षी बोल रही हूँ और मेरा बच्चे का नाम है बीतनगर सिंह, 29 अप्रैल 2003 समय 11:44 और मंगलवार, और इसके मैं ग्रह दशा के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसका ये साल कैसा रहेगा, ये दिसंबर का महीना। देखिए बहन आपका बहुत स्वागत है और आपके बेटे का समय बहुत ही अच्छा है, कोई टेंशन करने की बात नहीं है, लेकिन एक जरूर बता देता हूँ कि थोड़ा राहु जो ना इनको मन अशांत करेगा और संगत थोड़ा इधर उधर कराता है, तो बुधवार के दिन हरा चारा इनके हाथ से गायों को देना शुरू करें और वहीं इनको थोड़ा सा डेडिकेशन पढ़ाई के लिए बांधने का प्रयास करें।
इसके लिए ध्रुवा गणपति को चढ़ाने का भी काम करें। ओम गंग गणपते नमः, ये मंत्र बोलते हुए ध्रुवा चढ़ाएं, सुबह प्रतिदिन चढ़ाएं और 100 दिन चढ़ाएं, तो इनका भविष्य बहुत ठीक रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। तो अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, अगले कॉलर प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। बेटे के बारे में पूछना था जी। हाँ, उनकी जन्म तारीख 29/8/1993। उनका नाम नहीं है क्या? अमित कुमार। और 29/8/1993 जी। और 6:05 स्थान निम्बाड़ा जी। 29/8/1993 वो आ गए निम्बाड़ा, कोई बात नहीं। तो आप जानना क्या चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं के बारे में पूछना आप, क्या जो लगेगी मकर राशि है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका जो अमित है ये दो बहन भाई हैं, और दूसरा है कि इनको शुक्र की महादशा, बुध का अंतर शुक्र का प्रतंत्र है, तो विशेष तौर पर इनका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। और करियर की बात करें तो काफी संघर्ष के बाद में इनको सफलता हासिल होती है, और चूंकि कुंडली में जो शुक्र की महादशा है, शुक्र इनकी कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह हो रहा है और शुक्र की महादशा है, ऐसे में शुक्र दुख स्थान का भाव का स्वामी हो रहा है, शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव भी अशुभ हो रहा है, परंतु वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रमा शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव ठीक रहता है, इसलिए काफी डुलमुल की नीति में रहेंगे। शुक्रवार के दिन किसी स्वागन महिला को इनके हाथ से सुहाग का सामान और लाल चुनरी टाइप की 5 शुक्रवार को 5 अलग अलग महिलाओं को दान कराइए, निश्चित रूप से इनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य और इनका भविष्य अच्छा रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामना है जी आचार्य जी। इसी के साथ अब वक्त हो गया राशियों का, फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि 12 राशियां कौन कौन सी, क्योंकि बेसब्री से दर्शक जो है हमारे राशियों का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज आपके पिताजी को कुछ जरूरी काम पूरा करने में आपका सहयोग लेना होगा, आपके पिता को आप पर गर्व होगा। छात्रों के लिए आज दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में भी आज सोच सकते हैं। वहीं आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते और मधुरता बनेगी, आपके रुके हुए कार्य आज बनना शुरू होगा। पर भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृषभ राशि के सभी जातकों को आज काफी अच्छा दिन महसूस हो रहा है। वहीं आज आपको अपने कोई जानकार व्यक्ति आपसे अपने बच्चों के करियर के लिए अच्छी सलाह लेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप ऊर्जावान बने रहेंगे। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बेहतर रहेगा, आपकी रुचि किसी धार्मिक कार्य में बनी रहेगी। अपने जीवन साथी से आप कुछ अच्छी बातें शेयर आज कर पाएंगे। बच्चे किसी काम में आपकी मदद जरूर लेंगे। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आपको अपनी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आपको अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर खर्च करना होगा। करियर को सही दिशा में देने के लिए आज आप कुछ बड़े फैसले लेंगे। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है, जिससे आपको प्रसन्नता भी बनी रहेगी। माता पिता के साथ किस धार्मिक स्थल पर आज आप जा सकते हैं। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज बच्चों के किसी काम में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। काम के मामले में आपको अनुभवी लोगों से आज संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। आपको पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ने चाहिए, इससे आपको काम में सफलता प्राप्त होती है। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए घर पर बात आज बनेगी। दाम्पत्य रिश्ते पहले की अपेक्षा और मजबूत बनेंगे। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले। आज आपको अपने काम में सतर्कता बरतनी होगी।
बिजनेस में किसी भी तरह के लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखना चाहिए। आज का पूरा दिन परिवार वालों के साथ हंसी खुशी के साथ बीतने वाला है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले। आज आप अपने जीवन साथी से बिजनेस की कोई बात शेयर जरूर करें। जीवन साथी से काम को लेकर आपको कोई अच्छी सलाह भी प्राप्त हो सकती है। बच्चे घर पर ही खेल कूद में लगे रहेंगे, उनकी शरारतें आपको थोड़ी परेशान आज जरूर करेगी, पर क्रोध ना करें, वो ही ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले। आज आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे। आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। आर्थिक रूप से पिता आपकी मदद करेंगे। कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशहाली का माहौल आज बना रहता है। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले। ये सरकारी संस्थान से जुड़े लोगों का दिल आज अच्छा रहेगा। आज आपको ऑफिस का काम घर पर ही करना पड़ेगा। जीवन साथी से कोई अच्छी खबर जरूर प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले। आज नवरात्रा के आज के दिन ऐसा रहे तो जैसे नवरात्रा में राम जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी भाव से आज पूजा करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज आप कुछ अच्छे काम करने से ना चूके। कई दिनों से चल रही कोई स्वास्थ्य समस्या आज राहत देने वाली रहेगी। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले। तो ये आज प्रॉपर्टी का लेन देन का मन बनाएंगे। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में आज सोच सकते हैं। लवर्स एक दूसरे से फोन पर देर तक बात कर सकते हैं। आप घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की आज सोचेंगे। आपको अपने घर वालों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो आचार्य जी ने बता दिया कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आचार्य जी हमारे पास समय भी है तो हम और कॉलर्स ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैं अनिल अग्रवाल जी। पूरे जी देखो आपका डेट ऑफ बर्थ सब आयुष्मान कुछ रहो, डेट ऑफ बर्थ टाइम और शहर बताइए। हेलो अनिल जी, आपका जन्म तारीख समय और शहर बताइए। जी दौसा शहर है और मेरा बच्चा है राम अग्रवाल, जिसे प्यार से नील कहते हैं। 26 जनवरी। जी क्या सोचने लग गए आप, बोलिए ना। पैदा हुआ सुबह 2:56 पे 2011 में। अब इसका भविष्य जानना चाह रहा था मैं, क्या है क्या नहीं। हाँ देखिए आप दौसा से बोल रहे हैं अनिल जी, ये बच्चा बहुत ही समझदार, बड़ा इंटेलिजेंट है, परिवार को लेके चलने वाला रहेगा, आपका सितारा बन के रहेगा। आप इनको नीलकंठ महादेव के सोमवार के दिन इनके हाथ से जलाभिषेक कराएं और उसमें भांग मिश्रण करके कराएं, और गुप्तेश्वर महादेव जी को भी हर सोमवार के दिन इनके लिए जल चढ़ाना, केसर जल चढ़ाना बहुत लाभदायी रहेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहा है, उसका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। ठीक है, तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है आचार्य जी, तो जाते जाते कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें दर्शकों को तो जरा अच्छा लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको प्रतिदिन अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए और परिवार में सुमति बना के रहना चाहिए। यानी जहां सुमति दे संपत्ति नाना, जहां कुमति दे विपत्ति निधाना। जिस घर में सुख शांति होती है वहां धन लक्ष्मी समृद्धि सब कुछ होती है। जहां कलेश होता है वहां नरक जैसा स्थिति होता है। इसलिए आप अपने भाई बहन परिवार मित्रों से प्रेम और स्नेह के साथ
विनम्रता से अपना दिन आपका निकले, इन्हीं शुभकामना के साथ सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा, क्रोध पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए, आय से अधिक व्यय के बारे में नहीं सोचना चाहिए और सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। ये तीन नियम आपके जीवन को बदल के रखेंगे, आप करके देखिए जी। बिल्कुल, तो ये टिप्स आचार्य जी ने आपको बता दिए, अगर आप अपने भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये तीन टिप्स आप आजमाइए, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आचार्य जी हमारे साथ आज के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो।